पाकिस्तान और चीन के होश उड़ने वाले हैं। भारत ने एक ऐसे टैंक का ट्रायल शुरू कर दिया है जो बिजली की रफ्तार से चलेगा, साथ ही दुश्मन पर तेजी से हमला भी करेगा। ये टैंक दिन हो या रात, मैदान हो या पहाड़, पानी हो या रेगिस्तान, सब पर एक समान गति से चलेगा। यहाँ तक कि रिवर्स में भी ये टैंक हर टेरेन में भी फर्स्ट राउंड हिट होगा, यानी कि एक ही राउंड में दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को सटीक निशाना लगाकर उड़ा देगा। इसकी डिजाइन ऐसी होगी जो कि रोड और रेल के जरिए आसानी से मूव कराई जा सकेगी। इस टैंक में जितने भी सिस्टम लगे होंगे वो हाई अल्टीट्यूड के माइनस तापमान और रेगिस्तान के ज्यादा तापमान में भी अधिकतम रेंज फायर कर सकेंगे। इस लाइट टैंक में क्रू के 2 से 3 मेंबर होंगे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 13 सितंबर 2024 को भारतीय लाइट टैंक जोरावर के सफल प्रारंभिक ऑटोमोटिव परीक्षण किए हैं। बता दें, जोरावर टैंक मैदानी इलाकों के साथ साथ ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में अत्याधुनिक उपयोगी साबित होने वाले हैं। रेगिस्तानी इलाके में किए गए फील्ड परीक्षणों के दौरान लाइट टैंक ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए सभी टारगेट को कुशलतापूर्वक पूरा किया है। DRDO ने शुरुआती चरण में इस टैंक के फायरिंग प्रदर्शन का कड़ाई से मूल्यांकन किया है। इस जोरावर टैंक ने अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक और सटीकता के साथ हासिल किया है। अगले 6 महीने तक इसके डेवलपमेंट ट्रायल होने हैं। ट्रायल के बाद माना जा रहा है कि 2027 तक भारतीय सेना के पास लाइट टैंक जोरावर मौजूद होगा। आपको बता दें कि जोरावर को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की इकाई लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान CVRDI द्वारा लॉरेंस एंड ट्रूबो लिमिटेड के सहयोग से सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय लाइट टैंक के सफल परीक्षणों के लिए DRDO, भारतीय सेना और सभी संबंध उद्योगी भागीदारों की सराहना की है। उन्होंने इस उपलब्धि को महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों और प्रौद्योगिकी में भारत के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर करार दिया है। आपको बता दें कि साल 2020 में पैंगोंग के दक्षिणी छोर पर जब भारतीय T-72 और T-90 टैंकों ने मोर्चा संभाला तो चीन को उल्टे पैर अपने टैंकों को वापस ले जाना पड़ा था। चीन के साथ भविष्य की तनातनी की संभावनाओं के मद्देनजर भारतीय सेना ने भी हाई एल्टीट्यूड एरिया में अपनी ताकत को दोगुना करने के लिए प्रोजेक्ट जोरावर शुरू किया था। अब जोरावर टैंक का परीक्षण भी शुरू हो गया है। जोरावर टैंक उस महान सेनापति जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर रखा गया है जिसने लद्दाख, तिब्बत, बल्तिस्तान, स्कुर्द आदि को जीता था। उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारतीय सेना ने उस योद्धा को सम्मान देते हुए अब उनके नाम पर LAC के हाई एल्टीट्यूड एरिया में अपने जोरावर लाइट टैंक उतारने जा रही है।